एवरग्रीन मसाला चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ किरण और आज मैं आप लोग के सामने बताने जा रही हूँ छोले की रेसिपी। पंजाबी छोले की रेसिपी है और ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से बनता है। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको आज की ये मेरे छोले की रेसिपी कैसी बनी है। ये रेसिपी पंजाब में सबसे ज़्यादा खाई जाती है और दिल्ली के स्ट्रीट फूड में सबसे ज़्यादा इसे माना जाता है। तो चलती हूँ मैं आपको इसके लिए वीडियो की ओर ले चलती हूँ। वीडियो में ये देखिए, मैंने लगभग 100 ग्राम छोले को रात भर भिंगो करके रखा था। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिंपल इसे पानी में भिंगो करके अच्छे से रख दिया था। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से ये भींग चुका है, काफ़ी अच्छे से फूला हुआ है ये। तो इसे हमें उबालना है। उबालने के लिए सबसे पहले इसे कुकर में रख दें। कुकर में रखने के बाद इसे इसमें हमें मिलाना है। ये देखिए, मेरा चाय पत्ती का मैंने पानी निकाला है। अगर आप चाय पत्ती का पानी नहीं डाल सकते तो आपके पास अगर टी बैग्स है तो टी बैग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो चाय पत्ती को पानी में खौला करके इस तरह से छान करके आप पानी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें ऐड करना है हमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से ये काफ़ी अच्छे से फूल जाता है, बहुत ही जल्दी पक जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है बेकिंग सोडा। और उसके बाद नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद लगभग हमें इसमें 2 ग्लास के आसपास पानी ऐड करना है, पानी ऐड करना है। और फिर इसे हमें लीड इसका बंद कर देना है। लीड बंद करने के बाद इसमें हमें एक विसल अच्छे से आने देना है। एक विसल आने के बाद इसे हमें बिल्कुल कम कर देना है, गैस को बहुत कम कर देना है, यानी मीडियम लो पे कर देना है। और फिर इसे हमें 15 से 20 मिनट तक पकने देना है। 15 से 20 मिनट के बाद आप इसको चेक करिएगा तो देखिएगा बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है। तो आप देख सकते हैं 15-20 मिनट के बाद ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये पक चुका है, बहुत ही अच्छे से। इसका जब गैस निकल जाए तभी लीड ओपन करना है। तो चलते हैं इसको तड़का लगाने के लिए। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डालें, 4 से 5 टेबलस्पून अच्छे से ऑयल डालना है। और उसके बाद इसमें हमें तड़का लगाना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो ये देखिए, तड़का लगाने के लिए मैंने जीरा लिया है, उसके बाद लौंग लिया है, इलायची ली है और दालचीनी ली है। और उसके बाद लिया है लाल मिर्च, खड़ा साबुत लाल मिर्च और तेजपत्ता। इन सबको हमें तड़का लगाने में यूज़ करना है। जब हमारा तड़का अच्छे से पक जाए तो फिर उसमें हमें ऐड करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन ये देखिए मैंने बहुत ही बारीक से काट करके रखा है और इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है, यानी कि आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं और इसको सिंपल कूट करके भी डाल सकते हैं। इसको पकने दीजिए अच्छे से। जब ये पक जाएगा तो फिर इसमें हमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। इंग्रेडिएंट्स में लाल मिर्च, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है, इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है, 1 चम्मच वो डाल दें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इन सबको डालने के बाद अच्छे से हमें इसे पकाना है। 15 से 20 सेकंड पका लीजिए, तेज आंच पे बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो ये जल जाएगा सारे मसाले। अच्छे से पकने के बाद इसमें हमने ये देखिए 3 प्याज को ग्राइंड करके लिया है, मीडियम साइज़ के 3 प्याज को ग्राइंड करके इसको डालना है और इसे अच्छे से भूनना है। जब तक हमारा सारा मसाला अच्छे से भून ना जाए, बिल्कुल देख सकते हैं आप, अच्छे से भूनना है। भूनने में लगभग 10 मिनट लग जाएंगे आपको। उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है टमाटर का प्यूरी। ये मैंने 3 टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, उसके बाद ही इसमें डालना है। तो अब सारे मसालों को हमें काफ़ी अच्छे से भूनना है जब तक इसका कच्चापन बिल्कुल गायब ना हो जाए और ये सूख ना जाए, इसका अंदर का सारा मॉइस्चर निकलना चाहिए। इसको भूनने में लगभग 10 से 12 मिनट हमें लग जाएंगे। इस तरह से ये देखिए, ये तेल हमारा ऊपर आ चुका है, तो हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हमने जो उबाले हुए हमारे चने हैं, वाइट चने, उसको हमें इसमें डाल देना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से सारे मसाले को और चने को अच्छे से मिला दीजिए।
और उसके बाद इसमें हमें लास्ट में ऐड करना है स्वाद के हिसाब से नमक। नमक अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है, तो नमक ऐड कर दीजिए सबसे पहले। स्वाद के हिसाब से ध्यान रखिए कि मैंने चने में भी नमक डाला था बॉईल करने के टाइम पे, तो उसी हिसाब से नमक डालना है। ज़्यादा नमक एक साथ नहीं डालें, नहीं तो जब ज़्यादा नमक तेज़ हो जाएगा इसमें। और थोड़ा सा इसके अंदर यानी कि आधा से एक चम्मच के आसपास गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। अगर गरम मसाला पाउडर नहीं है तो इसका छोले मसाले पाउडर भी आता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल होता है, तो आप छोले मसाले डाल सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमारा हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, और लास्ट में थोड़ा सा धनिया का पत्ता छिड़क दीजिए ताकि और भी अच्छा फ्लेवर आ जाए और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगे। तो लीड बंद करके इसे हमें थोड़ा देर यानी कि 4 से 5 मिनट तक पकने दीजिए ताकि सारे मसाले एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छा से ये पक चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही यम्मी खुशबू है, देखने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। तो इस तरह से हमने छोले का रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा यम्मी और काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आप इसे भटूरे के साथ खाएंगे तो भटूरे के साथ बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगा। आप इसे पूरी के साथ भी खा सकते हैं। भटूरे की रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जस्ट इस वीडियो के बाद ही मैं शेयर करूँगी, तो आप उसे ज़रूर शेयर देख लीजिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने अनुभव को कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का अपडेट मिल सके। तो प्लीज़ हेल्दी खाना खाइए, घर का खाना खाइए, सेहतमंद रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।